अभी जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस किया, बिल्कुल उसी कंसेप्ट को सेम वही चीज दोबारा यूज करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, और निकालने वाले हैं अर्निंग पर शेयर। अभी मैंने आपको नोटिस कराया कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं। हमारी कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है, ये तो मस्ट है, होगी ही होगी। दूसरे डेट हो सकते हैं, डेट या डिबेंचर हो सकते हैं। तीसरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है, और चौथी रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, जिसमें रिजर्व जो है वो पार्ट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं, इसलिए हम उसे अलग से कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर निकालनी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था। ब्रेक इवन पॉइंट जो निकाला था, वो जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो किस लिए निकाला था, कि ईपीएस विल बी इक्वल टू जीरो। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है जो ईपीएस है वो क्या होनी चाहिए उसमें, जीरो। अब मैं कह रहा हूं नहीं, जीरो नहीं, जो आ रही है आने दो, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये जो आ रही है आने दो, जीरो आने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या पता लगाना है, आपको वही ईपीएस से शुरुआत करनी है और पता लगाना है कि ईपीएस कैसे निकलेगी। तो मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ईपीएस कैसे निकलेगी। सबसे पहले, सबसे सिंपलेस्ट, ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी, ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी। मेरी कंपनी में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही इन्वेस्ट है और कुछ है ही नहीं इन्वेस्ट। तो बताइए ईपीएस कैसे निकलता है। आप कहोगे सर ईबीआईटी, वैसे तो सेल से शुरुआत होती है लेकिन वो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, उसमें पहले माइनस, ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दे, फाइनेंशियल मैटर शुरू होने से पहले लास्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, ईबीआईटी। ईबीआईटी जो हमारी है उसमें से, अब मैंने सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया है तो ना तो मुझे कोई इंटरेस्ट देना, हाँ लेकिन एक चीज देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा। अगर कमाऊंगा तो टैक्स देना पड़ेगा, जीरो कमाऊंगा तो जीरो टैक्स, लेकिन अगर कुछ कमाया तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो जितना टैक्स है उसको दे देते हैं, 1 माइनस टैक्स रेट, बाकी बच जाएगा हमारे पास। उसमें से हम क्या करेंगे, टैक्स तो दे दिया, इंटरेस्ट देना नहीं था, टैक्स दे दिया, उस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं देना, बस फिर ये सारा का सारा प्रॉफिट किन के हवाले कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर के हवाले कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर के हवाले करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, अर्निंग पर शेयर। क्लियर है? सेकंड, सेकंड मेरे पास क्या हो सकते हैं, सेकंड मेरे पास डेट एंड इक्विटी कंपनी हो सकती है। ठीक है, डेट एंड इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी हो सकते हैं। इसको चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे वर्किंग में कर देता हूँ कि कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले सेल्स होगी, सेल्स में से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, अपनी फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आ जाता है हमारे पास, ईबीआईटी। ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, यहीं से हमारे फाइनेंशियल मैटर शुरू होते हैं। फिर माइनस क्या करना होता है, इंटरेस्ट, क्या आ जाता है हमारे पास, पीबीटी। फिर माइनस क्या करना होता है, टैक्स, क्या आ जाएगा, पीएटी। उसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो, और बाकी जो बचेगा वो किसके लिए चला जाएगा, वो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर बन जाएगा, जिससे कैलकुलेट किया जाएगी प्रॉफिट फॉर इक्विटी, और इसी को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने पर हमारे पास ईपीएस आ जाएगा। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसको अगर मैं प्लेस करूँ तो इंटरेस्ट मुझे देना नहीं है लेकिन टैक्स तो देना होगा, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड भी मुझे नहीं देना, तो मैंने इसलिए सिर्फ यहाँ पे क्या है, टैक्स रेट माइनस किया था। सेकंड में डेट भी है और इक्विटी भी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ईबीआईटी कमाने के बाद सबसे पहले मैं क्या दूंगा, इंटरेस्ट की पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पे लिखूंगा जी ईबीआईटी जो हुई है उसमें से पहले क्या माइनस किया जाएगा, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट देने के बाद जो बच जाएगा उस पर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, तो 1 माइनस टैक्स रेट भी लगेगा। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना, नहीं देना ना प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या करेंगे, सही, बस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास ईपीएस आ जाएगा। ठीक है, तीसरा, तीसरा है डेट प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर कंपनी। तीनों टाइप की चीजें हो सकती है, डेट भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है और इक्विटी भी है। ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले ईबीआईटी कुछ कमाई होगी आपने, पहले क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट दे देंगे, इंटरेस्ट देने के बाद जो बचेगा उस पर सरकार टैक्स मांगेगी तो टैक्स भी दे देंगे, 1 माइनस टैक्स रेट।
टैक्स रेट के बाद भी जो पैसे आप इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं दे सकते, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गई, तो आपको कुछ पैसा किसको देना पड़ेगा, प्रेफरेंस के डिविडेंड में भी देना पड़ेगा। माइनस करो क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, और अब जो बचा वो सारा किसके पास पहुंचेगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर तक पहुंचेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर डिवाइड कर दे तो ईपीएस बन जाएगा। ईबीआईटी इंटरेस्ट दे दिया, फिर ये टैक्स दे दिया, टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिया, और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, ईपीएस। फोर्थ और लास्ट वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी। प्रेफरेंस और इक्विटी इसमें ये कैसे निकलेगा, अब आप ईबीआईटी से शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना नहीं, लोन लिया नहीं, इसमें क्या है, सिर्फ प्रेफरेंस है और इक्विटी है। तो जब आपने लोन लिया नहीं तो इंटरेस्ट देंगे नहीं, लेकिन टैक्स तो दोगे ना, तो 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करो, टैक्स निकल गया, प्रेफरेंस डिविडेंड दो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और बाकी जो बचा वो किसको दे दो, ये जो बच गया वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। अब ये डिपेंड करता है कौन से टाइप का कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे सामने आया, उसी टाइप का हम फार्मूला उससे लगाएंगे और हमारे को ईपीएस का पता चल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट है। पेज नंबर 204 या 200 पे इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 7.1, जिसमें लिखा है भास्कर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख, फेस वैल्यू रुपीज 100। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एक्सपेंशन प्रोग्राम कंपनी विशेज टू रेज रुपीज 3 लाख एंड हैविंग 4 अल्टरनेटिव सोर्सेज टू रेज द फंड। एक कंपनी है भास्कर मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल पहले है, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल जो कि रुपीज 5 लाख की है, और ये 10 रुपीज वाले शेयर में, सॉरी 100 रुपीज वाले शेयर में डिवाइड है। अगर मैं इसे डिवाइड करूं 100 से तो मुझे नंबर ऑफ शेयर भी पता चल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर जो है वो 5000 है। तो मैं इसको हटा देता हूं, मैंने दो चीजें पता लगा दी, रुपीज में वैल्यू पता लगा ली और नंबर ऑफ शेयर भी पता लगा लिया जो कि है 5000। ये तो है, लेकिन अब हमें क्या करना है, एक नया काम करना है। जो नया काम करना है उसके लिए मैं 3 लाख रुपए की नीड है। ये नीड आप कई तरीके से पूरी कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो 3 लाख रुपए की नीड है, और 3 लाख रुपए मिलने के हमारे पास 4 प्लान है इसमें। सबसे पहले प्लान 1 है, जिसमें प्लान ए है, आएंगे 3 लाख रुपए, लेकिन कैसे आएंगे, टू हैव फुल मनी फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। ये जो 3 लाख रुपए हैं उसके हम नए इक्विटी शेयर इशू करेंगे। इसका मतलब अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे 3000 नंबर ऑफ शेयर और इंक्रीज हो जाएंगे प्लान 1 में, प्लान ए में। दूसरा है प्लान बी, प्लान बी जो है उसके अंदर 3 लाख रुपए कैसे आएंगे, 1 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर से आएंगे, इसमें रुपीज 1 लाख इक्विटी शेयर जो कि मेरे नंबर को कितना बढ़ाएंगे, 1000, क्योंकि 1 लाख रुपए अगर 100 से डिवाइड करें तो 1000, और बचे हुए 2 लाख रुपए हम बोरो करेंगे, 10% लोन ले लेंगे। तो रुपीज जो 2 लाख होंगे वो होगा 10% लोन, जिससे आपके नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं होंगे, क्योंकि शेयर तो तभी चेंज होगी जब इक्विटी शेयर बढ़ेंगे। हाँ, इंटरेस्ट जरूर इसमें शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा प्लान 1 हो गया, ये प्लान बी हो गया। प्लान सी की बात कर लेते हैं। प्लान सी क्या कह रहे हैं, प्लान सी कह रहे हैं फुल अमाउंट फ्रॉम बोरिंग रुपीज बोरिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसमें आप 3 लाख रुपए जो लेंगे वो 10% लोन से लेंगे, इसमें भी आपके नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज नहीं करेंगे, उतने ही रहेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद प्लान डी है, प्लान डी जो है उसके अंदर वो कह रहा है कि 1 लाख रुपए के तो इक्विटी शेयर इशू करेंगे, रुपीज 1 लाख इक्विटी शेयर अगर आपने इशू किया तो आपका नंबर जो है इसमें शेयर का इंक्रीज हो जाएगा 1000, और ये 2 लाख हो चाहिए, और 2 लाख रुपए के क्या करने वाले हैं, 2 लाख रुपए के हम कितने परसेंट, 8% प्रेफरेंस शेयर इशू करने वाले हैं, और प्रेफरेंस शेयर से भी नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज नहीं होगा। तो हमारे पास ये 4 प्लान है जो कि हम इम्पैक्ट डालेंगे, और करंट हमारा एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर 5 आ रहा है, तो वो तो ध्यान में रखना ही रखना है। बाकी अगर कोई भी प्लान आप लेते हो उसमें नए जो शेयर इशू होंगे उनका नंबर भी यूज किया जाएगा। हमें इसके अंदर बताना है कंपनी इज एक्सपेक्टिंग ऑफ अर्निंग रुपीज 1,50,000 एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस मेरी बुक में तो 30% है। ईबीआईटी बता दी गई है जो कि है 1,50,000, और टैक्स रेट
मेरे पास तो 50% है, आपकी बुक में कितना है? 30% है। चलो ठीक है, मैं जो सॉल्यूशन करूंगा वो 30% के बेस पे कर दूंगा। वैसे 30% और 50% सिर्फ टैक्स का अमाउंट बदलेगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इन्होंने जो सॉल्यूशन किया है वो इन्होंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में किया है। इसे हॉरिजॉन्टल से बेटर करना हो तो आप इसे वर्टिकल फॉर्म में करना। इसमें प्लान ए, फिर प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी की बात कर लेते हैं। इन चारों प्लान के अंदर हम अब फिगर पुटअप कर देते हैं, कौन कौन सी फिगर हमारे को यूज करनी है। सबसे पहले ईबीआईटी लिख देते हैं, चाहे कोई सा भी प्लान ले, आपने इन्वेस्टमेंट तो 8 लाख ही करनी है, 5 लाख पुराने और 3 लाख नए। कहाँ से पैसा आया उससे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ फाइनेंशियल एस्पेक्ट उसका चेंज होगा। आपकी वेरिएबल कॉस्ट और जो फैक्ट्री का रेंट वगैरह वो तो उतना ही रहेगा, चाहे पैसा जहाँ से मिल जाए हो। तो हमारी ईबीआईटी तो सेम ही रहेगी, चाहे कोई सा भी प्लान लगाओ, ईबीआईटी हमारी कितनी रहने वाली है? 1.5 लाख। उसमें से माइनस करेंगे हम अपना इंटरेस्ट। पहला प्लान जो है उसके अंदर तो इंटरेस्ट है नहीं, ओरिजिनल एग्जिस्टिंग ब्याज है नहीं, और पहले प्लान में भी आपने इक्विटी शेयर इशू किया, मतलब इंटरेस्ट आपका कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरे प्लान के अंदर जी हमने लोन लिया है, 2 लाख रुपए का लोन लिया है, 2 लाख का लोन लिया तो 10%, मतलब 20,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तीसरा प्लान है उसमें भी लोन लिया, और तीसरे प्लान में तो हमने 10% लोन 3 लाख का लिया तो 30,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और चौथे प्लान के अंदर हमने कोई भी लोन नहीं लिया है तो फिर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? ये काम करने से आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे तो 1,50,000 आएगा, यहाँ पे आएगा 1,30,000, यहाँ पे आएगा 1,20,000 और यहाँ पे आएगा 1,50,000। पीबीटी के बाद हमें माइनस करना है टैक्स। मैं यहाँ पे 30% कर रहा हूँ, जिनकी बुक में 50% हो वो उसकी जगह कितना कर देंगे? 50%। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर मैं 30% कैलकुलेट करूँ 1,50,000 का, तो फिगर हो जाएगी 45,000, जो फिगर है उसी पे निकालेंगे। और अगर इसे मैं माइनस कर दूं तो माइनस करने के बाद जो बाकी बचेगा वो बचेगा 1,05,000, जिसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 1,30,000 का अगर निकाले जाए तो हो जाएगा 39,000, और माइनस उसे कर दें तो फिगर हमारे पास बचेगी 91,000। 1,20,000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 36,000, और बाकी बचेगा 84,000। और फिर 1,50,000 का निकालेंगे तो 45,000 ही आएगा, और माइनस अगर हम कर देंगे तो बचेगा 1,05,000। 50% करेंगे तो बस ये टैक्स चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद माइनस करना पड़ेगा हमें प्रेफरेंस डिविडेंड। अब देखते हैं हमने कौन कौन से प्लान के अंदर प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे। जिस प्लान में प्रेफरेंस शेयर यूज होंगे वहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। प्लान ए में हमने इक्विटी शेयर इशू किया, प्रेफरेंस शेयर नहीं है। प्लान बी के अंदर लोन था, उसमें भी प्रेफरेंस शेयर नहीं है। प्लान सी में भी लोन है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है। प्लान डी के अंदर है तो यहां पर कोई भी डिविडेंड नहीं देना है, यहां पर भी कोई डिविडेंड नहीं देना है, यहां पे भी कोई डिविडेंड नहीं देना है, यहां पे देना है। 8% देना पड़ेगा 16,000 रुपये, 2 लाख रुपए का 8%। ये क्या आ गया बाकी बचा? ये आ गया प्रॉफिट फॉर ईपीएस। अब ईपीएस जो निकलेगा वो इस प्रॉफिट को यूज करके निकलेगा, क्योंकि सभी बाहर वाले लोगों का हिसाब हो गया। यहां पे प्रॉफिट हमारा 1,05,000 ही आएगा, यहां पर 91,000, यहां पर 84,000, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1,05,000 में 16,000 माइनस कर दें, 89,000। क्लियर है? ईपीएस निकालने के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको पहले पूछने पड़ेंगे कि कौन से प्लान में कितने इक्विटी शेयर हैं। ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट 5,000 शेयर तो है ही है, बाकी प्लान में कितने नए शेयर इशू हैं उसके ऊपर ये चेंज हो जाएगा। तो 5,000 और फर्स्ट प्लान में एन हमने 3,000 और रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे आफ्टर ये इशू 8,000 हो जाएंगे। दूसरे प्लान में 5,000 एग्जिस्टिंग है, ये तो हमें लेनी है 5,000, तो हर बार और 1,000 के हमने शेयर जो है वो इस प्लान में और यूज किए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 6,000। आगे उसके बाद हमने कोई भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू नहीं किए, इस प्लान में हमारा एन इक्वल टू जीरो रहा। ठीक है, एन इक्वल टू जीरो रहा, तो इसका सिर्फ एग्जिस्टिंग 5,000 शेयर थे वही रहेंगे, और यहाँ पे 1,000 शेयर है, मतलब कितना हो गया? 5,000 + 1,000, 6,000। अब निकालते हैं ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये जो फिगर होती है उसी को हम बोलते हैं एन। तो आपको क्या करना है? 1,05,000 डिवाइड बाय 8,000 करना है, और अगर मैं 1,05,000 डिवाइड बाय 8,000 कर दूं तो फिगर आएगी 13.125। ये ईपीएस पर शेयर हो गई। यहाँ पे फिगर कितनी आने वाली है? 91,000 डिवाइड बाय 6,000, और अगर 91 डिवाइड बाय 6 कर दें तो फिगर आने वाली है 15.167।
यहाँ पे फिगर हमारे पास है 84,000 डिवाइड किससे करेंगे 5,000, और 84,000 डिवाइड बाय 5,000 करें तो आएगा 16.80, 16.80। और ये फिगर हमारे पास है 89,000 डिवाइड बाय 6,000, और 89,000 डिवाइड बाय 6,000 करें तो आएगा 14.833। इन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो इन्होंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, कैसे आसानी से चीज़ें निकालना, आसानी से चीज़ें नहीं निकलेंगी, क्योंकि लेस करना, टैक्स और फिर बैलेंस निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से ईपीएस पे पहुंच जाएंगे। यही इसमें पूछा था, यहाँ पे जाके क्वेश्चन कंप्लीट है।